फुल कर दो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज तो काफ़ी ज़्यादा गुड मॉर्निंग है। अभी टाइम हो गया है 6:20। सो हम जा रहे हैं, मतलब मैं और मेरा भैया, हम लोग जा रहे हैं अपने लाइफ के सबसे बड़ी बाइक राइड पे। ऑलमोस्ट 950 किलोमीटर्स की राइड होने वाली है। ऑल दो अभी तो दिखा रहा है कि लगभग 854 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर हम लोग चले आए हैं। अपने घर से निकले, मतलब 5:30 पे, एग्जैक्ट 5:30 पे घर से निकल चुके थे, लेकिन उस टाइम काफ़ी अंधेरा था तो रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। सो अभी टाइम हो गया है 6:21, एक घंटा हो गया है ऑलमोस्ट हमें चलते हुए। लगभग हमारी बाइक चल चुकी है 37 किलोमीटर और हमें जाना है अभी 854 किलोमीटर। सो आज के ब्लॉग में यही रहने वाला है। बाकी आप लोग सोच रहे हो कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। सो मैं जा रहा हूँ अपने घर देवरिया, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इस राइड को, मतलब पता नहीं कब से प्लान कर रहा हूँ। जब से मैंने अपनी बाइक नहीं ली थी तब से ही प्लान कर रहा हूँ मेरी बाइक। मतलब एक होता है ना कि एक सपना था कि एक सबका ड्रीम राइड होता है कि मैं लद्दाख मारूंगा। मेरा ड्रीम रहता है कि मैं अपने बाइक से अपने घर जाऊंगा। दिल्ली टू देवरिया मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो कि कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा, किसी बंदे ने, मतलब किसी बंदे का वीडियो नहीं मिला कि कोई दिल्ली से देवरिया गया हो वो भी बाइक पे। बाकी मतलब ऑब्वियसली काफ़ी लोग गए होंगे जो लोग यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते, लेकिन मुझे लगता है कि यूट्यूब पर तो मैं पहला ही बंदा हूँ। सो करेंटली हम हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे, और ये रोड लिंक करेगी यमुना एक्सप्रेस वे को। सो उसी रोड पे निकल चुके हैं हम लोग, और एकदम आराम से जाना है। कोई भी जल्दी नहीं है कि घर पहुंचना है, एकदम आराम से पहुंचना है, सही सलामत घर पहुंचना है। कल की दिवाली है, एक तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिवाली बन जाएगी जीवन भर का हम लोग का। थोड़ा सा रिस्की तो है, मतलब सही बताऊँ तो ये वाला जो लेन है ना, ये एक बोलते हैं कि ये रेस्क्यू लेन है, ये वाला ट्रक्स का लेन है, वो वाला है वो ओवरटेकिंग का लेन है, वो लेना है ये अपना। आ गए हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे। देखिए इतना मैंने वीडियोस में देखा कि कैसे जाना है, क्या करना है, कितने का टोल लगता है, कितने रुपए का खर्चा आने वाला है। यहाँ पे देखिए लोग फास्टैग वगैरह बेच रहे होंगे, इसी वजह से लोग रुके हुए हैं। हाँ, ये भी मैंने वीडियो में ही देखा था। आ गए हम लोग यमुना तो एक्सप्रेस वे पे। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने जेवर वाले टोल पे। मतलब इस जगह का नाम जेवर है, आई थिंक यहाँ से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे जेवर होगा। यहाँ पे अब टोल के जो चार्जेस है वो बढ़ चुके हैं। 2 और 3 व्हीलर्स के जो चार्ज लगने वाले हैं वो है 245 रुपीज़। पहला था 205 रुपये। भैया कैश निकाल लियो, कैश और कार्ड है, यूज़ करना होगा। फोन पे होगी ना, आपस में एडजस्ट कर लियो। आगरा देख लो, चलें। ठंड लग रही है दोस्तों, ठंड लग रही है। साला बैरिकेडिंग से लोग गाड़ी मतलब पार करा रहे हैं। फिर सोच रहा हूँ कि फरवरी मार्च में स्पीति वैली जाऊँ। तो स्पीति जाने से पहले तो एटलीस्ट मैं सारे गियर्स वगैरह, मतलब राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट सब कुछ ले लूँगा। तो करंटली हमारी बाइक चल रही है 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अभी कुछ देर पहले 90 पे चला रहा था, लेकिन 90 पे थोड़ा सा मुझे लगा कि कंट्रोल में नहीं आएगी, तो 80-85 पे चलते हैं, कंट्रोल में आ जाएगी। फिर थोड़ा सा पैर वैर सीधा करने के लिए रुके। ये क्या है भाई? अच्छी तो लग रही है दोस्तों, क्या बोलते हो? आगरा के जो एक्सप्रेस वे ख़त्म हुआ उसके बाद ही एक टी ब्रेक लिया, फिर अब जा रहे हैं हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। गाड़ी में फ्यूल भी डलाना है, तो भी एक पेट्रोल पंप है जो कि लगभग 30 किलोमीटर दूर है, 24 मिनट लगेंगे हमें वहाँ पर जाने में। तो लखनऊ एक्सप्रेस वे से हम लोग आगे निकल चुके हैं। आई मीन लखनऊ एक्सप्रेस वे भी है, फर्स्ट टोल आ चुका था, 330 रुपये का टोल लगा हुआ है। ये देखते हैं आगे, अभी तो फ्यूल डलाना है जो कि अभी है 7 किलोमीटर है, 8 मिनट का टाइम लगेगा। तो कन्नौज से आगे हैं, अभी टाइम हो गया है 12:19, 400 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, और मेरी बाइक का भी लगभग 10,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है फाइनली। बाकी अभी हमें 444 किलोमीटर अभी और चलना है,
तब जाके हमारा घर आएगा। अभी आधी दूरी ही हुआ, ऑलमोस्ट आधा दूरी हम लोग आ चुके। अब ये रोड इतना अच्छा है तो इसको अभी तक थोड़ा सा ज़्यादा कुछ पता चला नहीं है, थोड़ा बहुत पता ही चला है कि हाँ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे ट्रिप का, हमारे बाइक राइड का ये 500 किलोमीटर हो चुका है कम्प्लीट। अभी 345 किलोमीटर और है। लखनऊ 25 किलोमीटर, मोहन 23 किलोमीटर। वैसे आई थिंक अभी लखनऊ 20 किलोमीटर दूर है। ये जो लास्ट था हमने उसे चेकआउट कर लिया है एक्सप्रेस वे से, लखनऊ सिटी की ओर जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद से फिर पकड़ेंगे अपना फैजाबाद वाला रोड, फैजाबाद से फिर अयोध्या, अयोध्या से बस्ती, बस्ती से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया। ये बात हाँ, और हम लोग आ चुके हैं लखनऊ, हम लोग आ चुके हैं श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन तक भरो ऊपर तक। हम लोग आ चुके हैं बहुत ही भीषण ट्रैफिक से निकल के। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था आज। इतने घर जा रहा है तो सब कोई रोड पे आ रखा है कि किसी को मतलब बस वगैरह है ही नहीं, सब कोई रोड पे इंतजार कर रहा है। सो करेंटली बीबीडी पे आ चुके हैं। बीबीडी से तो बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं अपनी। जब मैं यहाँ पे रहता था तो ये मॉल जो है ये उस टाइम बन रहा था 2017 में जब मैं रहता था लखनऊ में, तो इसी साई अपार्टमेंट है ना, श्री साई अपार्टमेंट, इसी में रहता था मैं अपने भैया के साथ। मतलब मेरा भैया ये पीछे जो मतलब लखनऊ में ही एक कॉलेज है, श्री राम स्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज, उससे ही बीटेक किया है, के साथ ही रहा था 2017-18 में। पीछे कितना था पहले? तो दोस्तों अभी हम लोग अयोध्या रोड पे हैं। अयोध्या लगभग 60 किलोमीटर दूर है। बाकी करंट टाइम दिखा रहा है कि 9:16 पे अपने घर पहुंचेंगे। भाई साहब तो भीड़ हो रखा है यहाँ पे उसे नज़ारा देखने के लिए। दोस्तों आ चुके हैं देवरिया जिला के अंदर।